जय भीम साथियों साथियों, मैं आज आपसे एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से चल रही है। आज हमारे देश में जो शासन सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो रामराज लाने का सपना हमारे देश को दिखा रही है, और उनका रामराज किस प्रकार का चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। देश के मूल निवासियों पर जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। आज कोरोना महामारी इस देश में चल रही है, और इस कोरोना महामारी के बीच में भी हमारे बहुजन समाज पर अत्याचारों की कोई रोकथाम नहीं हुई है। जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ये सभी लोग जो शासन सत्ता में बैठे हैं उनको या तो अपने आप ध्वस्त कर रहे हैं, या जो इनके कब्जे में नहीं आती है संवैधानिक संस्था उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसके पीछे साथियों एक ही सोच काम कर रही है, वो है मनुवाद। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में आपको बात करना चाहता हूं। साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ, पूरे देश के जितने भी राज्य थे उन सब राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन गए बिना किसी चुनाव के। जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी थी उन सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ब्राह्मण बन गए बिना किसी कंपटीशन या बिना किसी सिलेक्शन के। अब बात आती है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहां पर अंग्रेजी शासन काल में ब्राह्मणों को न्यायिक चरित्र न होने के कारण जज नहीं बनाया जाता था। परंतु आज देखिए आप, हाई कोर्ट में 88% 90% जज ब्राह्मण बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 98% जज ब्राह्मण बैठे हुए हैं। अब जब ये जज ये व्यवस्था देते हैं कि रिजर्वेशन आपका मौलिक अधिकार नहीं है, मेरे को तो बहुत ही सोच पैदा होती है कि ये कहां से पढ़ करके आते हैं। ऐसे निखट जजों को क्या कहूं मैं, जबकि रिजर्वेशन का प्रावधान 16, आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 में है, और आर्टिकल 16 हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। तो वो जज किस प्रकार से ये व्यवस्था दे सकते हैं कि रिजर्वेशन हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकार नहीं है। साथियों, हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसका नाम है ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ये संस्था हमारे इस अत्याचार अनाचार जो भी हमारे बहुजन समाज पर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए है। हम अपने पूरे देश के बहुजन अधिवक्ता साथियों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमसे जुड़े और इस मुहिम में हमारा साथ दें। हमें ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो जजों का अपॉइंटमेंट करता है, जिसमें सिर्फ इस देश में मात्र 226 घराने हैं और पूरे देश की जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, हमें इसके खिलाफ जाना है। आप हमारा साथ दीजिए, हम कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करवाना चाहते हैं, और इसके लिए आप हमसे जुड़ें, हमको बुलाएं, जगह जगह हम सेमिनार करेंगे और इस सेमिनार करके अपनी बातें इनके सामने रखेंगे। हमें आपका भरपूर सहयोग चाहिए हर प्रकार से। जय भीम साथियों।